आज की टॉपिक है मोड। आज की टॉपिक है मोड इन अ सेट ऑफ डेटा इट इज अ वैल्यू इट इज अ वैल्यू वो चक्कर इट इज अ वैल्यू वो चक्कर्स मोस्ट ऑफन इट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू मोड। हम अगर कोई भी डेटा हमें दी गई हुई है तो उसमें हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सा है, मतलब रिपीटेड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें सेट ए है 1, 2, 5, सेट बी है 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 9। अब हमें इनमें से मोड कैसे मालूम करेंगे? 1, 2 और 5 में देखेंगे मोड क्या है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 5 है, इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो इसमें लिखा है, इसमें इस सेट में इट हैज़ नो मोड। और इसमें देखेंगे 1, 2, 2, 2, 2 जो है 3 मरतबा रिपीटेड है, 3 जो है 2 मरतबा रिपीटेड हुआ है और 5 जो है 3 मरतबा रिपीटेड हुआ है। तो मोस्ट जो है वो 2 हैं, 1, 2, मोस्ट रिपीटेड जो है वो 2, 1, 2 है, दूसरा 5। तो इसमें 2 मोड होंगे। कौन कौन से? 1, 2, दूसरा 5। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर डी सेट है हमारा गुड और पुअर, दूसरा भी अगर कहें पुअर है, फेयर है और डल, अगर ये सेट है तो इसमें देखेंगे कि रिपीटेड कौन से हैं, 2 ये रिपीटेड हैं, 2 ये रिपीटेड हैं। अगर फेयर तीसरे मरतबा भी आता तो एक ही मोड होता, सिर्फ फेयर होता। यहाँ पे 2 जो है फेयर और पुअर 2 मरतबा हैं, मतलब ये इसमें 2 मोड होंगे। इट हैज 2 मोड्स। और एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9। अब इसमें देखेंगे 1 रिपीटेड नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 3 मरतबा है और 5 2 मरतबा है। तो मोस्ट जो रिपीटेड है वो 4 है, तो इट हैज़ 1 मोड। और वो मोड कौन सा है? 4। तो अगर कोई भी सेट हो उसमें देखेंगे मोस्ट रिपीटेड वो कौन सा है, मोस्ट रिपीटेड कौन सा है। अगर वो अरेंज्ड है तो भी ठीक है, अगर अरेंज नहीं है, सपोज करें 1 है, 5, 2, 9, 2, 7, 5, 2, 9, 2, 3, 2। अगर ऐसी डेटा मिली हुई है, अरेंज नहीं है, इसमें देखेंगे 1 रिपीटेड नहीं है, 2, 1, 2, 5 जो है 2 मरतबा रिपीटेड है, 2, 1, 2, 3, 4, 5 मरतबा 2 रिपीटेड है, 9 जो है 2 मरतबा है, मतलब जो 2 है यहाँ पे मोड कितने हुए? 1 मोड 1 है, वो कौन सा है? 2।